खूबसूरत लड़की के चक्कर में बर्बाद हो गया सुधरते हुए क्रिकेटर का करियर। तोड़ सकता था ब्रायन लारा और सचिन के भी रिकॉर्ड, लेकिन अब बेच रहा है पापड़ी। आईपीएल में भी नहीं मिल रहा है सही से मौका, घरेलू क्रिकेट में भी किया गया बाहर। शराब की लत ने किया सब कुछ बर्बाद, लड़की का चक्कर इस खिलाड़ी को ले डूबा। 15 अर्धशतक 1 शतक मैचों में ही मचा दिया था बवाल, लेकिन अब हो गया है गुमनाम। सोशल मीडिया पर कर दी सबसे हैरान करने वाली पोस्ट, कर रहा है संन्यास की तैयारी। ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि लड़कियों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो करियर खराब हो जाता है, लेकिन इस क्रिकेटर ने किसी की बात नहीं सुनी और पैसों के दम पर खूब लड़कियों का शौक पूरा किया। मौत की जिंदगी रातों रात गुजरी, शराब और शबाब दोनों का खूब मजा लिया, लेकिन जब यही आदत बन गई और एक लड़की से दिल लग गया तब सब कुछ बर्बाद हो गया। बड़े बुजुर्ग हमेशा से ये बात कहते आए हैं कि लड़की का चक्कर अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देता है। अगर इस खिलाड़ी ने भी ये बात मान ली होती तो आज विराट कोहली के बराबर खड़ा होता और ब्रायन लारा का रिकॉर्ड भी तोड़ सकता था। टीम इंडिया में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको खेलने का भी मौका नहीं मिलता, लेकिन इस खिलाड़ी को धोनी खुद पसंद करते थे और रोहित शर्मा का भी ये पसंदीदा था, क्योंकि शुरुआत में इस खिलाड़ी ने जिस तरह का प्रदर्शन किया था कोई दूसरा नहीं कर सकता था, लेकिन गलत लत ने सब कुछ खत्म कर दिया और अब हालात ऐसे हो गए कि आईपीएल में भी इस खिलाड़ी को कोई देखना पसंद नहीं करता। एक दौर में इस खिलाड़ी का हर कोई लोहा मानता था और लोग इसके समर्थन में खड़े रहते थे और कहते थे कि इसे मौका मिलना चाहिए, मगर अब इस खिलाड़ी का कोई भी साथ नहीं दे रहा। कहा जा रहा है कि इस खिलाड़ी का करियर खत्म हो चुका है और जिंदगी में अब दोबारा ये कभी क्रिकेट नहीं खेल पाएगा। किस्मत कब पलट जाए कोई कुछ नहीं कह सकता, ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन इस खिलाड़ी के साथ जिस तरह से किस्मत ने खेल किया, भगवान करे किसी दूसरे के साथ ऐसा ना हो। हम जिस क्रिकेटर की बात कर रहे हैं उसका नाम है पृथ्वी शॉ। वही पृथ्वी शॉ जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर टीम इंडिया में अपनी जगह बनाई थी, लेकिन अपनी जगह को पक्की नहीं कर सके। क्रिकेट में किसी भी खिलाड़ी के लिए उतार चढ़ाव होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन पृथ्वी शॉ के साथ कुछ और ही खेल चला, तभी तो उभरता हुआ सितारा एकदम से डूब गया। पृथ्वी शॉ ने 2018 में अपनी कप्तानी में भारत को अंडर-19 वर्ल्ड कप जिताया था। शॉ को उनकी बेहतरीन कप्तानी और बल्लेबाजी का इनाम भी मिला था, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद उन्होंने लड़कीबाजी के चक्कर में अपना करियर बर्बाद कर लिया। मौजूदा समय में ऐसी नौबत आ गई कि उन्हें भारत में मौका नहीं मिल रहा तो वो काउंटी खेलने जा रहे हैं। लेकिन पृथ्वी शॉ के क्रिकेट करियर खराब होने के पीछे कई लोग लड़की को बड़ी वजह मानते हैं। इतना ही नहीं, उन पर कुछ महीने पहले ही आरोप लगे थे कि उन्होंने एक लड़की से मारपीट करते हुए उससे छेड़छाड़ भी की थी। इसी के बाद से पृथ्वी शॉ का करियर एकदम से खराब होता चला गया और अब कोई उम्मीद नहीं है कि उन्हें दोबारा टीम इंडिया में कब मौका मिले। बता दें कि पृथ्वी शॉ जिस स्तर के बल्लेबाज हैं वो बड़े ही आसानी से ब्रायन लारा जैसे दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, लेकिन समय के साथ साथ लगातार उनके प्रदर्शन में गिरावट आ रही है, जिसका कारण कई फैंस लड़कियों का चक्कर मानते हैं। पिछले साल जब एक लड़की के साथ मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ था, तभी से लोग पृथ्वी शॉ पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि वो नेक दिल इंसान नहीं है और लड़कियों की इज्जत नहीं करते, इसलिए उनको टीम से भी बाहर रखना चाहिए। शायद अब ये बात पृथ्वी को भी पता है कि उनकी वापसी टीम में नहीं होने वाली है, इसलिए सोशल मीडिया पर अक्सर वो दिल तोड़ने वाली इमोजी शेयर करते रहते हैं और इशारा करते रहते हैं कि वो कभी भी संन्यास ले लेंगे। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या पृथ्वी शॉ को दोबारा मौका मिलना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें जरूर बताएं।